करते देखने को मिल सकते हैं। ग्लोबल स्पोर्ट्स ईस्टर्न साइड से जोन के अंदर आएंगे जहां पर टीम ओरैंगटन गेमिंग उनका स्वागत करने के लिए तैयार है। बट अभी के लिए टीम गॉड लाइक वर्सेस टीम स्काईलाइट गेमिंग हमें यहां पर देखने को जरूर से मिलता हुआ। टीम गॉड लाइक की अगर हम बात करें, वहीं है जहां पर उन्होंने ड्रॉप लिया था लिटरली पिछले 16 मिनट से, वहीं पर हमें देखने को मिलते हुए। गिल की तरफ से वो ग्रेनेड जाएगा, गमला बॉय उनको डाउन किया जाएगा, बट अभी भी इतना ओपन में पुश थोड़ा रिस्की हो जरूर सकता है। गिल थोड़ा आगे की तरफ जाएंगे जरूर से, पीछे से कवर फायर हमें आता हुआ नजर आता हुआ, बट एक्सो उनके पास अभी भी एडवांटेज है, ऊपर की तरफ वो मौजूद है और मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इमॉर्टल वहां पे कोशिश जरूर करेंगे काक फिनिशर निकालने के लिए, मैक्सी डाउन करेंगे जोनाथन के द्वारा, पूरी तरीके से फिनिश किए गए। अब यहां पे तीन जो टीम्स है उनकी फाइट होने वाली, एस ब्लैक इतना ज्यादा पीक करने की उनको जरूरत पड़नी नहीं चाहिए थी, जोनाथन वो नहीं चूकने वाले अपने स्प्रे से, सटीक निशाना आता हुआ और इसी के साथ एस ब्लैक डाउन किए गए। स्ट्राइकर मौजूद रहेंगे, मैंटी की बात करें जाए वो भी वहां पे रहेंगे। एकेओपी की बात करें वहां पे जी के एजे को डाउन किया, रॉनी को भी उन्होंने डाउन किया एकेओपी, बट खत्म हो जाएंगे, नॉक किए गए हैं जोकर के द्वारा। देखते हैं उनके जो प्लेयर्स है बचा पाएंगे या फिर नहीं। बैंटी काफी ज्यादा ऊपर से यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे, वहां पे स्पॉट किए गए गॉडलाइक गेल के द्वारा। गेल का मोस्ट प्रोबेबली ये पहला फिनिश होने वाला है अपनी टीम के लिए, खुद के लिए, बट बैंटी खत्म हो गए। नियो की बात करें बहुत ज्यादा ओपन में आने की उन्होंने गलती करी, पकड़े गए, एलिमिनेट किए गए। बिल्कुल यहाँ पर अभी भी ये जो फाइट है वो हमें चलती हुई नजर आएगी। टीम गॉडलाइक अपना एक खिलाड़ी खो जरूर से चुके, और अब एक तरीके से सिचुएशन हमें थोड़ी इवन स्टीवन देखने को मिलती है, बिकॉज टीम स्काईलाइट गेमिंग की बात करें तीन खिलाड़ी उनके बच्चे, गिल वो अकेले बहुत ही ज्यादा आगे आ चुके हैं मेरे ख्याल से, फुट स्टेप लेकर के पीछे की तरफ अपने जो टीम मेट्स उनको ये नॉलेज देने वाले, बट नहीं वो आगे की तरफ जाते जा रहे, पीछे एक प्लेयर मौजूद है। गिल बहुत ही ज्यादा ओवर अग्रेशन में बोलूंगा उसमें हमें देखने को मिलते हुए, लेकिन इसी के साथ अब जो बाकी खिलाड़ी उनको भी ओपन में आने पड़ेगा। री गॉड बहुत ही ज्यादा लोअर एचपी, एक एक करके ये टीम एक बार फिर से बिखरती जा रही है, एक बार फिर से गॉड लाइक जोनाथन के कंधों पर सारी जिम्मेदारी। पिछले मैच में एक 1v3 जरूर से किया था, पर इस मैच में एक बार फिर से एग्जैक्टली वही सिचुएशन, रिवाइवल यहां पर जरूर से एग्जीक्यूट किया जा रहा है। वैक्सी एक बार फिर से सेवियर का रोल अदा करेंगे, ये ग्रेनेड कनेक्शन बना सकता है, वैक्सी ऑलरेडी बहुत ही ज्यादा लो ऑन एचपी, एक बार फिर से अपने आप को हील करेंगे। गमला बॉय जो कि डाउन है मेरे ख्याल से फिनिश उनका सिक्योर हो सकता है, वैक्सी इस बार रिवाइव नहीं कर पाएंगे, जोन का जो डैमेज है वो भी आता हुआ। नाउ इट्स वैक्सी वर्सेस जोनाथन, एक 1v1 की फाइट हमें यहां पर देखने को मिलेगी, जहां सौमिराज उनको अभी भी रिवाइव किया जा रहा है, और आप देखिए एक भी फर्स्ट एड मौजूद नहीं है वैक्सी के पास। जी बिल्कुल, दो फर्स्ट एड रहेंगे जोनाथन के पास, अपने आप को उन्होंने बूस्ट भी किया है, मौका रहेगा। 502 का डैमेज ऑलरेडी यहां पे डील कर चुके हैं, हाइड्रास को देखे वो भी जस्ट बगल में उनके मौजूद रहेंगे, बट एस ब्लैक उनके पास व्हीकल था वो लेके यहां से निकलने में कामयाबी हासिल करेंगे। सोमराज अपने आप को बैंडेजेस लगाते हुए देखना पड़ेगा, सोमराज के पास क्या वहां पे हीलिंग मौजूद रहेगी या फिर नहीं, बट रॉनी प्लेसर के बाद डाउन हो गए वहां पे एस ब्लैक एंड बाकी जो प्लेयर निकल रहे थे उनको डैमेज जरूर।